नमस्कार, एडसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हेल्थ केयर में हम लोग चर्चा करेंगे छाती संबंधी रोगों के बारे में, और ख़ास करके जैसा कि आप जानते हैं रेनी सीजन ख़त्म होने के बाद और ठंड के मौसम शुरू होने के पहले सांस की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अस्थमा हो या अन्य बीमारी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है इस समय। तो क्यों ऐसा होता है, उसका क्या कारण है, तो अस्थमा के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में और छाती से जुड़ी अन्य बीमारियों के बारे में, उसका निदान और क्या सावधानी बरती जाए, इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग बात करेंगे। और बात करने के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर विकास मित्तल, आप जाने माने कंसल्टेंट हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में, और अभी फ़िलहाल दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में एसोसिएट कंसल्टेंट हैं। तो मैं समझता हूँ इनका ज्ञान और अनुभव हम लोग को यह समझने में लाभदायक साबित होगा कि किस तरह से हम इन बीमारियों से बचें, और अगर हो जाए तो कैसे उससे निदान पाएँ और जल्दी निदान पाएँ। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर मित्तल को आमंत्रित करता हूँ कि पहले वे अपनी बातों को रखें, सामान्य बीमारियों के बारे में हम लोगों को बताएँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। वेलकम सर। सांस की बीमारियां आम तौर पे इस मौसम में बहुत कॉमन होती हैं, और इस मौसम में जब बदलता है मौसम तब बड़ी सारी एलर्जी जो कॉमनली सांस की होती हैं वो सामने आती हैं, और उसी वजह से इन्फेक्शन भी बहुत कॉमनली होने लगता है। सो आज मैं इस माध्यम के ज़रिए आप लोगों को कुछ सांस के रिलेटेड, सांस की बीमारियों से मद्देनज़र उनके रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहूँगा। इसके बाद जब जैसे ही मैं कुछ आपके जानकारी देंगे, देन आई कैन मैं कुछ आपसे प्रश्न ले सकता हूँ, जिससे हम उनके आपकी जो भी प्रश्न होंगे उनके बारे में हम समाधान दे सकेंगे। सो सांस की बीमारियाँ इस मौसम में सबसे कॉमनली होती हैं एस्थमा, और एक बीमारी होती है COPD। सो ये दोनों बीमारियाँ इस मौसम में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और दोनों में एक जो अंतर होता है वो ये, जो दमा होता है, एस्थमा होता है, वो यूजुअली एलर्जी की वजह से होता है। जो आप हवा में जैसे पोलन्स होते हैं, जो पेड़ पौधों के पोलन्स होते हैं उनकी वजह से, और इस मौसम में वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। सो इस कारण आपको दमा, जिन लोगों को दमा है उन लोगों में ये सांस की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग धूम्रपान करते हैं उन लोगों के फेफड़े अपने आप में ही थोड़े कमज़ोर होते हैं, इसलिए इस वक्त के मौसम में उन लोगों को इन्फेक्शन होने का संभावना ज़्यादा हो जाती है। सो ये दो बीमारी हैं जो इस मौसम में ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा मैं आपको, क्योंकि मैं एक लंग्स का डॉक्टर हूँ, उसके बारे में हमें आज ये क्षय रोग जो होता है, TB जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सो कोई भी मरीज जो हमारे पास सांस की बीमारी लेके आता है, उसको 4-5 लक्षण होते हैं। एक खांसी होता है, बलगम, सांस लेने में दिक्कत, और सांस में से कुछ सीटी की आवाज़ आना। इसके अलावा कुछ अलग दिक्कत भी हो सकती हैं, जैसे खांसी में खून आना, और इसके अलावा बुखार होना। तो इन सब लक्षणों में अगर कोई भी आपको दिखते हैं, देन आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, अगर ये लंबे समय के लिए चलते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम ये बीमारी में, इन सब लक्षणों में कैसे पता लगाएंगे कि ये दमा, अस्थमा है, या COPD है, या ये क्षय रोग की वजह से है, या कोई इन्फेक्शन है। सो ये 4 कॉमन बीमारियाँ होती हैं, जिनमें सब में ये 6 लक्षण पाए जाते हैं। सो अब जब अगर दमा होगा तो उसको मरीज को पुरानी ऐसी दिक्कत पहले पाई गई होगी, उसके दमे अस्थमा के, जो अस्थमा और दमा एक ही जैसा होता है, एक ही नाम है, दो एक ही बीमारी के दो नाम हैं, और अस्थमा और दमा दोनों
पहले भी मरीज को हुए होते हैं उनको दिक्कत होती है, क्योंकि ये बीमारी एलर्जी से होती है और कभी भी बदलता है मौसम तब ये दिक्कत बढ़ जाती है। सो यूजुअली ये परिवारों में चलती है, अगर किसी मरीज को ये दिक्कत है तो उसके परिवार में भी ये दिक्कत पाई गई होती है। इसके अलावा जो मरीज COPD के होते हैं उनको ये दिक्कत धूम्रपान की वजह से होती है, या फिर अगर उन्होंने कोई और धुएं की वजह से जैसे चूल्हे पे खाना बनाया है या चूल्हे में जो लकड़ जलती है उसकी वजह से जो धुआं आता है उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। सो दोनों बीमारियों में सांस फूलता है मरीज को, पर जो दमा होता है वो पहले भी मरीज को दिक्कत हुई होती है, जो COPD होता है वो बाद में आती है क्योंकि धुआं या धूम्रपान की वजह से उसने बहुत सालों तक किया होता है, उसके लंग फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। सो तीसरी जो बीमारी होती है वो TB है, उसमें उसमें मरीज को सांस की इतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी दमे और COPD में होती है। ट्यूबरक्लोसिस के मरीज को ज़्यादातर लंबा बुखार होता है, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होता है, बलगम होता है, खांसी में खून आ सकता है। जो भी मरीज को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो या बुखार आ रहा हो, वज़न कम हो रहा हो, भूख नहीं लग रही हो, कमज़ोरी आ रही हो, ये कुछ लक्षण होते हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ इन्फेक्शन है, और अगर वो 2 हफ्ते से ज़्यादा हैं तो वो ट्यूबरक्लोसिस माने क्षय रोग की तरफ हमें पता लगता है कि वो क्षय रोग हो सकता है। ये 3-4 अगर दिक्कतें हमें मरीज बताता है तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि मरीज को क्या क्या दिक्कतें हैं। तीसरी चीज़ जो इस मौसम में या आमतौर पे मरीज को हो सकती है वो इन्फेक्शन है, जिसको हम निमोनिया बोलते हैं, और वो किसी भी मरीज को हो सकता है, बट आमतौर पर ये बच्चों को जो 5 साल से छोटे होते हैं और बुज़ुर्गों को जो 60 साल से ज़्यादा होते हैं उनको जल्दी होने का चांस रहता है। इसमें बेसिक जो भी मरीज दमे का या COPD का होता है उसमें ये ज़्यादा चांस होता है होने का। इसके अलावा जो बच्चे या बूढ़ों के अलावा जो मरीज जिनको अस्थमा है या COPD है उनमें निमोनिया होने का चांस ज़्यादा होता है। मैं ये बताना चाहूँगा, अभी तक मैंने तीन बीमारियों के बारे में बात किया है, अस्थमा जिसको हम दमा बोलते हैं, COPD जो कि धूम्रपान से या लकड़ की चूल्हे में काम जो धुआं होता है उसकी में काम करने से, या तीसरा क्षय रोग। तो इन तीनों के में मैंने आपको लक्षण बताए हैं, और इसके बारे में जो जब भी आपको ऐसा कुछ ये लक्षण हो इनके, तो आपको अपने डॉक्टर जो कि एक चेस्ट फिजिशियन हो सकता है उसको दिखाना चाहिए, और उसके बारे में फिर जांचें होती हैं। इसके बारे में अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपसे लेना चाहूँगा। हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप एक ये लक्षण है और साथ में कैसे आम लोग समझ पाए कि हमारा अस्थमा का है या COPD या न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में क्या होता है, इसके लक्षण को समझें और ताकि उन वो सही दिशा में कदम उठाएं और चेस्ट फिजिशियन के पास जा पाएं। या कभी कभी ये होता है कि लोग दवा जो घर में रहती है उसी के बारे में उसी को इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा करें या नहीं करें, या जो क्या एहतियात के तौर पर बरतना चाहिए, निमोनिया का क्या मैं ये लक्षण है और बता रहा क्या था है? निमोनिया, TB और इनके लक्षण मैं अभी जैसे बता रहा था। तो दमा जो है वो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, और दमा जो होगा उसमें यूजुअली मरीज को बुखार नहीं होगा, उसमें उसको सांस की दिक्कत होगी, सांस में सीटी की आवाज़ आएगी और खांसी रहेगी जो कि बदलते मौसम में ज़्यादा होगी। सो ये एलर्जी की वजह से होता है इस, और ये आमतौर पे कभी कभी जिस मरीज को ज़्यादा दिक्कत नहीं है अपने आप ठीक हो जाता है, तो उस मरीज को यूजुअली हम लोग इन्हेलर्स जो पंप होता है सांस के लिए, वो प्रिस्क्राइब करा जाता है, डॉक्टर वो दिया देता है, और उस मरीज को वो दवा पहले से शुरू हो गई होती है जिस मरीज को ये डॉक्टर ने बता दिया है कि इसको दमा है। ऐसे मरीज को जब ये दिक्कत आने लगे उसको पहले से ही अपनी दवा शुरू कर देनी चाहिए,
डॉक्टर अगर पहले से उसको दमा डायग्नोज कर चुका है तो उसको पहले से ये दवा अपने आप से शुरू कर देनी चाहिए डॉक्टर के जाने से पहले, जिससे कि ये दिक्कत अपने आप में ना बढ़े। सो ये तो दमा के लिए हो गया, बट दमा का पहले किसी डॉक्टर से जो चेस्ट में स्पेशलाइज्ड हो, जो चेस्ट का डॉक्टर हो, उसकी वजह उसकी तरफ से डायग्नोसिस पहले क्लियर होना चाहिए कि उसको दमा है। पर उसके बाद अगर उसके पास दवा है तो वो अपने आप से शुरू कर सकता है। दमा ही एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम पहले से दवा ले सकते हैं, बट अगर मरीज को बुखार आने लगा है, उसकी तबीयत ख़राब ज़्यादा होने लगी है, सांस बढ़ गया है, तब तुरंत अपने डॉक्टर को या इमरजेंसी में जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। निमोनिया में जो मेन लक्षण होता है वो बुखार और इस तेज़ बुखार और उसके साथ सांस बहुत तेज़ चलना, इसमें ज़्यादातर सांस में सीटी की आवाज़ नहीं आती है, खांसी में बलगम पीला या बहुत ज़्यादा आने लगता है, कभी कभी खून भी आ सकता है निमोनिया में। सो निमोनिया के ये कुछ लक्षण होते हैं जिसमें इन्फेक्शन में जी, इस पर बेसिकली बात कर चेस्ट में निमोनिया कुछ के बारे होता में है। बात करेंगे हम लोग। पहले धीरज जी का सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। जी सवाल नमस्कार। पूछिए। यस सर, सर मेरे को थोड़े दिन से खांसी चल रही है सर। कितने हेलो। दिनों से? हाँ सर, खांसी चल रही है, थोड़ा कफ निकलता, समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। कितने दिनों से चल रही है खांसी? सर 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। और साथ में कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, खांसी के अलावा भी कोई समस्या है या कि केवल खांसी नहीं है? सर, बस यही समस्या है। अच्छा, 15 दिन से खांसी है। और जैसे मैं अभी बात कर रहा था, आपको कोई बुखार या सांस की दिक्कत? कनेक्ट कर गया, दोनों केस को लेकर हम लोग बता दें क्या हो सकता है, तो जैसे संभावना है अभी उसका, क्या कर धीरज सकते। ने मध्य प्रदेश से जिन्होंने हमें कॉल किया था, उन्होंने पूछा खांसी चल रही है 15 दिन तक। सो अब अगर उसको सांस की दिक्कत नहीं है और ये पहली बार ऐसा हुआ है उसको, तो हमें जो मैंने पहली दो बीमारी बताई, एस्थमा और COPD, इस तरफ की तरफ हमारा सोचना नहीं होगा। हमें इसको ऐसे मरीज को डेफिनेटली दो दो हफ्तों से ज़्यादा जब खांसी होती है, तब हमें अपने नियरेस्ट डॉट सेंटर जाके बलगम की जांच करानी चाहिए। कभी कभी ये ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, पर कभी कभी सिंपल ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। पर अगर खांसी नहीं ठीक हो रही है, अगर आपने आम अपने आसपास किसी डॉक्टर को दिखाया है और उसके बावजूद भी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको डेफिनेटली आसपास किसी छाती के डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो आपके कुछ टेस्ट कराएगा। और स्पेशली जैसे कहते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो ट्यूबरक्लोसिस रूल आउट कर लेना चाहिए, तो वो भी आपको एडवाइस रहेगी हमारी। जांच करा के वो अपना इसको हाँ रूल जी, आउट कर लें कि है कि ट्यूबरक्लोसिस है कि हाँ नहीं जी, है। हाँ जी। और क्या ऐसे स्थिति में जो सामान्य सिरप जिसको कुछ नाम से आता है, क्या उसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आपका क्या एडवाइस है? सामान्य कफ सिरप जो 2 हफ्ते से अगर मरीज को खांसी हो रही है, तो आम तौर पर मरीज या उसके आसपास जो भी डॉक्टर उसको देखता है वो दे देता है। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, वो हफ्ता में वो खांसी यूजुअली ठीक हो जाती है। अगर गला ख़राब या जो आम तौर पर सर्दी जो बदलते मौसम में जो हफ्ता भर खांसी होता है, जो साल में 2 बार सबको होता है, अगर वो होता है वो तो हफ्ता में ठीक हो जाता है। पर अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है तो वो खांसी के सिरप काम नहीं करेगा। सो ऐसे में मतलब बगैर बैठना, सिरप लिए हुए भी 1 हफ्ते में ठीक हो जाता हाँ है? हाँ अगर सिरप अपने आप लिया है और उससे ठीक हो गया है, तो उसका माने एक आम इन्फेक्शन है जो कि हफ्ता में ठीक हो जाता है, उसके बारे में हमें इतनी चिंता नहीं रहेगी। पर अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, आप खांसी का सिरप ले चुके हैं, सो खांसी का सिरप आप ले सकते हैं जो आपको आमतौर किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिलेगा, वो ओवर द काउंटर मिल सकता है। बट अगर अच्छा, नहीं ठीक हो रही है देन आपको डेफिनेटली सिरप दिखना में भी चाहिए। 2 तरह के आते हैं, एक लोग बोलता है कि कफ को निकालता है, एक बोलता है कि दबरा, एक एक्सपेक्टोरेंट एंड सप्रेसेंट जिसको शायद बोलते हैं, तो वो क्या है, उसके उसका भ्रांतियाँ क्या है और क्या सच्चाई है उसके बारे में? क्या ऐसी बात है कि कोई एक दवा देता है, एक निकालता देखिए है? खांसी एक लक्षण है, खांसी बीमारी नहीं है। सो खांसी जो लक्षण है उसकी हमें बीमारी का पता लगना चाहिए कि किस कारण हमें खांसी हो रही है। सो जो खांसी की दवा होती है, सिरप होता है, वो सिर्फ लक्षण को रोकता है, वो बीमारी का इलाज नहीं करता है। सो खांसी जो हो रही है उसको आप
यूजुअली आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो कफ सिरप कफ सुप्रेसेंट होगा, जो खांसी को दबाता है। सो ये हमारा लक्षण को कम करने के लिए है, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो, पर खांसी का कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। सो जो आमतौर पर जो साल में दो बार जुकाम के साथ खांसी होती है, जो कि वायरल या जो संक्रमण जो वायरल होता है वो हफ्ते भर के लिए होती है, वो खांसी हफ्ते भर में कॉफ सुप्रेसेंट जो खांसी दबाने के सिरप होते हैं उससे रुक जाती है। सो अगर किसी को लेना है तो कॉफ सुप्रेसेंट का सिरप ले सकता है, जो कि अगर आसपास के डॉक्टर को दिखा के लिया जाए तो ज़्यादा बेहतरी है। जो बलगम निकालने वाला एक्सपेक्टोरेंट होता है वो यूजुअली हमें मरीज को तब दिया जाता है मतलब जिनको बलगम खांसी ज़्यादा दिन के लिए है, जैसे अस्थमा, सीओपीडी और निमोनिया, इनमें हमें बलगम ढीला करने के लिए, बलगम को बाहर निकालने के लिए दवाई दी जाती है, जिसको कॉफ सुप्रेसेंट कहा जाता है, कॉफ एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है। सो ऐसे मरीजों को एक्सपेक्टोरेंट यूजुअली डॉक्टर ही देगा जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट होगा। सो जो ओवर द काउंटर कॉफ दबाने का दवा है वो कॉफ सुप्रेसेंट होता है, वो हम ले सकते हैं। और यूजुअली सामान्य लोग अगर लें तो सब कॉफ सप्रेसेंट वाला ले सकते हैं। हाँ जी, एक्सपेक्टोरेंट वाला नहीं कोई ज़्यादा काम करता है, एडवाइजेबल होता है, क्योंकि कॉफ जनरली आजकल कहा जाता है कि नहीं हम दवाएं क्यों निकाल दें, तो आम लोगों में धारणा है कि नहीं हम एक्सपेक्टोरेंट पी ले तो हमारा जो बलगम है वो बाहर निकल आएगा। तो और खांसी भी दो तरह की, एक सूखी खांसी और एक विध बलगम। तो सूखी खांसी में तो सप्रेसेंट ही लेना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और अगर बलगम हो तो क्या उस केस में एक्सपेक्टोरेंट का प्रयोग करें? बलगम है तो मेरा कहना ये रहेगा कि बलगम अगर हो रहा है तो उसका कारण फिर जो बीमारी जिनको आपको डेफिनेटली चेस्ट फिजिशियन को दिखाना है, उनमें से तीन कारणों जो मैंने बताए, टीबी, अस्थमा, सीओपीडी, इनमें से कोई कारण ज़रूर है। तो ऐसे मरीज को यूजुअली आपको चेस्ट फिजिशियन को दिखाना चाहिए और किसी डॉक्टर की देखरेख में ही आपको दवा लेनी चाहिए। ओके। सो जो सूखी खांसी है वो यूजुअली दमे के मरीज को होती है और वो ज़्यादातर इन्हेलर या जो और खाने की गोलियां उनसे ठीक हो जाती है, उसमें कॉफ सिरप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहब, ये तो हम लोग खांसी की पर बात की, दमा के पेशेंट को या खासकर ऐसे भी लोगों को, कुछ लोगों को देखते हैं कि इस दौर इस सीज़न में मॉर्निंग में कुछ सांसें फूलना, सांसें बढ़ जाना या इवनिंग में सांसें बढ़ जाना, तो इस किसका कारण है और क्यों ऐसा होता है सांसें बढ़ना? ये जो सांसें भरना, अगर कोई आदमी जिसने धूम्रपान नहीं किया है या किसी को उसको धुएं का एक्सपोजर नहीं हुआ है, सो वो मोस्ट कॉमन कारण जो सांस फूलने का या सांस में सीटी आने का बदलते मौसम में दमा होता है। और ये मोस्ट कॉमन कारण होता है, इसके अलावा हमें और कोई नहीं कारण दिखता है। सो दमे को ट्रीट करने के लिए यूजुअली इन्हेलर देते हैं, जैसे मैंने बताया, वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। और इसके साथ मैं इन्हेलर की एक मैं मिथ भी क्लियर करना चाहूँगा, जो लोगों में धारणा होती है कि इन्हेलर जो दवा है वो आदत पड़ जाती है उसकी। जो हमारे पास बहुत मरीज आते हैं वो कहते हैं कि ये दमे के लिए हम इन्हेलर ले रहे हैं, हमें डॉक्टर ने दिया है, उसको आदत पड़ जाएगी। वो मैं एक कहना चाहूँगा कि ये एक गलत धारणा है, और अगर हमारे को दमा डॉक्टर ने बताया है कि दमा है तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट इन्हेलर से ही होता है। और उसको कोई बेसिकली जिस मरीज को दमा है उसके फेफड़ों को उसकी ज़रूरत है, जैसे किसी मरीज की आँख कमज़ोर होती है तो वो चश्मा पहनता है। सो इसका मतलब ये नहीं है उसको आँख कमज़ोर है और उसको चश्मे की आदत पड़ गई है, क्योंकि उसकी आँख कमज़ोर है उसको चश्मा लगाना पड़ रहा है। ऐसे ही जिसको दमा है उसके फेफड़े एलर्जी की वजह से, उसके फेफड़े में जो रस्ते होते हैं सांस के उसमें सूजन आ जाती है, वो संकरे हो जाते हैं, तो उसमें इन्हेलर ही सबसे बेस्ट दवा है। सो वो आपको अगर डॉक्टर ने इन्हेलर प्रेस्क्राइब किया है अस्थमा के लिए तो उनको वो लेना चाहिए। ओके। तो जो ओल्ड एज में होता है मॉर्निंग में थोड़ा सांसें फूलना, तो उसके लिए भी इन्हेलर भी उसको? हाँ जी। सो दमा है या सीओपीडी है, जो ओल्ड एज में यूजुअली मरीजों को होता है वो दमे का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, या तो जैसे मरीज को बचपन से दमा था और वो बहुत बाद में जाके लाइलाज हो गया क्योंकि उसको दवा ठीक नहीं मिली, या फिर उसको मरीज ने अगर आदमी है या कोई भी औरत जो स्मोक करता है या धूम्रपान करता है, या अगर जैसे हमारी लेडीज़ होती हैं विलेज की, कई बार उन्होंने पहले कभी चूल्हे पर खाना बनाया है सो उसके धुएँ की वजह से लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें होता वही है ऑलमोस्ट जो दमे में होता है, दवाइयाँ भी सेम होती हैं, पर
जो दमा वाले मरीज होते हैं उनके इन्हेलर बीच बीच में हम रोक भी सकते हैं, पर जो दम जो सीओपीडी वाले मरीज हैं जिनको धुएं की वजह से लंग्स कमज़ोर हुए हैं उनको इन्हेलर लंबे समय तक चलते हैं और लंबे समय तक लेने पड़ते हैं। सो जो वो बुज़ुर्ग मरीज हैं जो आप पूछ रहे हैं जिनको दिक्कत होती है उनको भी दवाई तो वही इन्हेलर ही होती है प्लस कुछ दवाइयाँ होती हैं। इसके नहीं, अलावा इसमें जैसे एक तो होता है शुरू में जैसे अभी मौसम चेंज कर रहा है तो हल्का हल्का हुआ फिर अपने आप 1 घंटे 2 घंटे में ठीक हो जाता है, तो किस स्टेज पे जाके इन्हेलर शुरू करना चाहिए या शुरू से ही जब ना इस मौसम में ऐसा दिखे कि नहीं अब स्टार्ट हो रहा है तो उसी समय इन्हेलर ले लें? सी, मैं ये बोलूँगा जिस दोनों बीमारियाँ दमा और सीओपीडी दोनों बीमारियाँ पहले तो आपके डॉक्टर को उसको डायग्नोज करना पड़ेगा, डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि आपको ये आप इस बीमारी से आपको ये बीमारी है। सो अगर डॉक्टर ने बता दिया तो जो दमे के पेश मरीज हैं उनको दोनों को इन्हेलर शुरू कर दिए गए होते हैं, दोनों को अगर इन्हेलर चल रहे हैं तो जब भी आपको पहले लगे कि आपका बलगम खांसी या सांस बढ़ गया है सो उसी वक्त आपको डॉक्टर बताएगा कौन सा इन्हेलर शुरू करना है, वो आप शुरू कर सकते हैं। सो पर ये पहले मरीज को डॉक्टर ने बताया होना चाहिए, अपने आप से आप इन्हेलर नहीं शुरू कर सकते हैं क्योंकि इन्हेलर को डॉक्टर को ही प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। रक्षा, चेस्ट के लिए डायग्नोस्टिक सिस्टम क्या है? किससे डायग्नोज होता है, क्या क्या तरीके हैं जो डायग्नोज करें कि चेस्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है? सो चेस्ट के जो डायग्नोसिस के लिए सबसे कॉमन टेस्ट जो होता है वो चेस्ट का एक्सरे होता है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि यूजुअली जो डॉक्टर होते हैं वो बिना जांच किए या बिना कोई टेस्ट किए दमा और उसका डायग्नोसिस कर देते हैं, पर अगर आपके शहर में अवेलेबल है तो एक सांस की जांच होती है जिसको हम स्पायरोमेट्री बोलते हैं। हर दमे और सांस ये सीओपीडी के पेशेंट को एक टेस्ट होता है जिसको हम स्पायरोमेट्री बोलते हैं, वो ज़रूर किया होना चाहिए। उससे हमें एक तो ये पता लगता है कि दमा है या सीओपीडी है, क्योंकि दमे में इन्हेलर का रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, एस्थमा में इन्हेलर का रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, पर सीओपीडी में इन्हेलर का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं होता है। सो एक स्पायरोमेट्री एक टेस्ट होता है, मरीज को अपने डॉक्टर से पूछ के उस टेस्ट के बारे में पता करना चाहिए और जहाँ पर भी अवेलेबल है वहाँ पर कराना चाहिए। इसके अलावा जो और बीमारियाँ हैं जैसे निमोनिया है या इन्फेक्शन है उस या टीबी है, उसमें बलगम की जांच और एक्सरे, ये दो चीज़ें एक बेसिक टेस्ट हैं जो किसी भी चेस्ट फिजिशियन की तरफ से बताए मुख्य जाते तौर से हैं, 3 टेस्ट हुए, एक्सरे, स्पायरोमेट्री, स्पायरोमेट्री एक्सरे और और बलगम की जांच। बलगम की जांच, इसके इतने। अलावा रूटीन टेस्ट जो भी डॉक्टर आपके बताएंगे वो हैं, जो मोस्ट बेसिक टेस्ट जो सांस के डॉक्टर बताएंगे वो एक्सरे, स्पायरोमेट्री और बलगम की जांच। ये स्पायरोमेट्री में क्या जांच होती है? स्पायरोमेट्री एक जांच होती है जिसमें आपने एक मशीन होती है जो आपके सांस को मेजर करती है। सो आपने उस मशीन को अंदर सांस लेना होता है और फेंकना होता है, उससे हमारे को अपने लंग्स की क्षमता पता लगती है कि कहाँ रुकावट है, कितनी रुकावट है और दवाई से कितना असर है। सो इसको हम स्पायरोमेट्री बोलते हैं और इसमें कोई दर्द या कोई इंजेक्शन या कुछ नहीं होता, एकदम सेफ जांच होती है और सिर्फ कंप्यूटर से अटैच होता है वो जांच में सांस लेना होता है। मतलब क्षमता पता लगती है कितनी दिक्कत है, कहाँ रुकावट है ये भी पता लगता है जो सांस में इसका दिक्कत है। कॉस्ट क्या, ऑलमोस्ट हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एक एवरेज कॉस्ट, क्योंकि वेरी प्राइवेट में अलग होंगे, गवर्नमेंट में अलग होंगे? गवर्नमेंट में ये ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जैसे दिल्ली में ये टेस्ट आमतौर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 100 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक होता है, क्योंकि स्पायरोमेट्री एक डिटेल्ड भी होता है एक शॉर्ट भी होता है, तो शॉर्ट स्पायरोमेट्री 100 रुपये तक का होता है गवर्नमेंट में, प्राइवेट में इट कैन रेंज फ्रॉम 1000 रुपीज़ टू 5000 रुपीज़ फ्रॉम शॉर्ट टू डिटेल्ड वन। और एक्सरे से हम लोग क्या देखते हैं? एक्सरे में हमें आपके एक्सरे में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, जो उसमें हमारे को जो फेफड़े हैं उसमें इन्फेक्शन दिख सकता है या कोई और बीमारी है वो दिख सकती है, जैसे कोई गांठ हो गई, और एक्सरे से हमें मतलब आपके मेनली लंग्स में हमें गांठ या कोई ट्यूमर या निमोनिया ये मेनली दिख सकता है। दमे और सीओपीडी के मरीज में यूजुअली एक्सरे नॉर्मल आता है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं होता है। अगर
इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले छत्तीसगढ़ से राजू जी हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार। सर मेरा क्या है कि सुने सर ये क्या है कि पहले अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद सवाल पूछें। कम से आता है और क्या होता है कि जी पूछिए। होता है क्या सर कि हाथी जैसे आता है बहुत, लेकिन कोई भी और सिम्टम नहीं है सर, और सब जमता है सर, बहुत ज्यादा गले में और इलाज में इलाज किए जाते हैं सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बार बार वही ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ सिम्टम आता है। हेलो जी जी पूछिए, सवाल फिर से पूछिए। क्या सर फेफड़े में थकावट हो रही है, मतलब एकदम थकावट हो रहा है सर और पसीना पसीना निकलता है सर और खांसी आता है सर। थकावट हो रही है, पसीना और निकलता है, खांसी आता है। आपको खांसी भी आता है? डिस्कनेक्ट। हाँ खांसी भी आता है। खांसी थकावट और पसीना जो होता है ये भी वही टीबी के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि अगर खांसी के साथ फीवर है और जो बुखार होता है वो आम तौर पर शाम के वक़्त ज़्यादा होता है और उसके साथ बदन टूटता है और बुखार के साथ पसीना बहुत आता है। ये टीबी के कुछ स्पेसिफिक लक्षण हो सकते हैं, पर आपको डेफिनेटली आपके जो जो भी आपके नज़दीकी डॉट सेंटर है वहाँ पर जाके आपको एक बार जांच करानी चाहिए, पर उससे जांच से ही आपको आगे पता लगेगा कि क्या आपको दिक्कत है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सरे से अस्थमा और सीओपीडी की जांच नहीं हो सकती, तो एक्सरे में मेन ट्यूमर और अलग अन्य बीमारियां जो इस तरह से कोई दिखते नहीं, इस और स्पायरोमेट्री से हम लोग वो भी अस्थमा और जो सीओपीडी उसकी भी जांच हो जाएगी। बलगम से तो टीबी और निमोनिया के बारे में पता है। एक पुल्मोनोलॉजिस्ट या पुल्मोनोलॉजी क्या बोलते हैं, वो क्या है? पल्मोनोलॉजी मेडिकल टर्म है छाती के डॉक्टर को डिस्क्राइब करने की। पल्मोनोलॉजी में पल्मोनोल अक्षर का मतलब है लंग्स। सो जो भी डॉक्टर्स जो छाती में जो लंग्स होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड जांच या बीमारियां के बारे में ट्रीट करता है उसको हम पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। और आमतौर पर उसको चेस्ट फिजिशियन भी बोलते हैं और लंग डॉक्टर भी बोल सकते हैं। और जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं वो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ को नहीं देखते हैं। जो एक आम तौर पे धारणा होती है कि चेस्ट डिजीज़ है तो कार्डियोलॉजी जो होता है वो एक हार्ट डिजीज हार्ट का डॉक्टर होता है। पल्मोनोलॉजिस्ट जो होता है वो लंग्स का डॉक्टर होता है। डॉक्टर साहब ये तो सांस से जुड़ी बात है, कुछ केसों में देखते हैं कि छाती में दर्द भी रहते हैं, वो किस चीज़ का संकेत है? भारीपन या दर्द या कभी कभी फूलना, वो क्या है? जो छाती में दर्द होता है वो आपको कई वजह से हो सकता है। अगर छाती में दर्द आपको बुखार खांसी और सांस के साथ हो रहा है तो वो लक्षण आपके निमोनिया या टीबी उनकी वजह से हो सकता है। जो हमारी फेफड़े होते हैं उनकी जो लाइनिंग होती है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया है निमोनिया के साथ, जो हमारे फेफड़ों की लाइनिंग में इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से दर्द होगा अगर हम सांस लेंगे या खांसी लेंगे। तो अगर दर्द जो छाती में है वो खांसी या सांस लेने पे, लंबा सांस लेने पे हो रहा है तो वो लंग्स की वजह से है। पर अगर किसी मरीज को चलते हुए सांस हो रहा है और छाती में हैवीपन है या ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने छाती पे पत्थर रख दिया है या चलने पे दर्द होता है तो उसको हम एंजाइना बोलते हैं, जो कि हार्ट की वजह से होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये दो लक्षण है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हार्ट की वजह से है या लंग्स की वजह से। ओके, अगर सांस लेने में दर्द हो तो चेस्ट, सांस लंबा सांस लेने पे दर्द हो तो इसका मतलब जो लंग्स में इन्फेक्शन है या कोई लंग्स की वजह से दिक्कत है। ओके, और चलने में अगर दर्द हो, चलने में दर्द होता है, सीढ़ियां चढ़ने पे या कोई मेहनत का काम करने पे अगर छाती में भारीपन दर्द है तो वो इन्फेक्शन नहीं, हार्ट की वजह से। ये मेन डिफरेंशिएट करने का तरीका है। इसके अलावा एसिडिटी की वजह से कभी कभी मरीजों को छाती में दर्द हो सकता है,
पर अगर लंबे समय के लिए है और चलने पे हो रहा है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो और छाती के कारण जो बताया उस खास करके इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, उसमें अस्थमा, सीओपीडी ये सब जैसे कुछ नहीं हो। हाँ जी, इन्फेक्शन की वजह से होगा। दमे और एसीओपीडी मेरे मरीजों को यूजुअली छाती में दर्द नहीं होता है। और टीबी वाले को? टीबी वाले को अगर उसकी लाइनिंग में इन्फेक्शन हो गया, टीबी भी एक तरह का इन्फेक्शन ही है। सो निमोनिया और टीबी इन्फेक्शन ही है, दोनों ही इन्फेक्शन होते हैं। टीबी जो होता है वो टीबी के कीटाणु की वजह से होता है, जो निमोनिया होते हैं जो और टीबी के अलावा जो कीटाणु होते हैं उनकी वजह से होता है। तो दोनों ही इन्फेक्शन है एक तरह तो से, ये दोनों में दर्द हो सकता दोनों में दर्द हो सकता है अगर है। लंग की लाइनिंग में इन्फेक्शन चला गया है। तो वो इन्फेक्शन और क्या हो सकते हैं इसके अलावा, जो या भारीपन रहना, भारीपन किस चीज़ का संकेत है? भारीपन रहना, अगर सांस के साथ चलने चलने में भारीपन हो रहा है तो हार्ट की वजह हार्ट से। की वजह से हो सकता है। सो भारीपन वो मरीज के बताने के तौर पे है, अगर भारीपन हो रहा है छाती में दर्द के साथ तो वो हार्ट के लक्षण है। पर किसी किसी मरीज को सांस लेते हुए चेस्ट में टाइटनेस हो सकती है, वो यूजुअली लंग्स की वजह से होगा, सांस लेने के साथ जो होगा। और चेस्ट से जुड़ी क्या बीमारी हो सकती है? ट्यूमर आप बताए, तो ट्यूमर तो का वही मैं क्या? भी उसके तरफ आना चाह रहा था। सो एक बेसिकली लंग्स ट्यूमर जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है। लंग का कैंसर जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। और जैसे सबको पता है जो धूम्रपान जो करते हैं उनमें इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तभी इस जो धूम्रपान करते हैं उनको सीओपीडी के अलावा लंग कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन बीमारी होती है धूम्रपान की वजह से। सो लंग कैंसर के लक्षण यूजुअली होते हैं, जो मरीज को डेफिनेटली अगर धूम्रपान किया है लंबे समय के लिए उसका श्योर, अच्छा वजन अब इस पे कितना बात करेंगे। पहले मध्य प्रदेश से धनंजय जी हैं, उनका सवाल लेते हैं। है। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो सर, जी हाँ जी मेरे सुबह उठते से ही पैर दर्द करते हैं, पिंडिया दर्द करती है और सुबह बहुत कुछ छिके आती है। आप सुबह छींकें आती हैं और और सर ये पैर की जो पिंडिया दर्द करती है उठते से, तो एक बार दोबारा बताएंगे फिर से जब सवाल उठता हूँ ना पूछिए। सुबह सुबह तो पैर की जो पिंडलियाँ बहुत जैसे कसाती है और दर्द करती है और छिके भी बहुत आते हैं। अच्छा, और कोई आपको लक्षण सांस के या खांसी के? अच्छा, नो सर। जो इनका सवाल है धनंजय जी का, ये जो छींके जो आती हैं ये भी एक एलर्जी का लक्षण होता है। और मैं इनफैक्ट ये इन्होंने सवाल से मुझे याद दिलाया है, बेसिकली जो दमे का पेशेंट होता है उसके रास्ते में एलर्जी है, जो सांस का रास्ता है उसमें एलर्जी की वजह से सूजन है। सो जो छींके जो आती हैं वो बेसिकली नोज़ में अगर एलर्जी है उसकी वजह से आती हैं। सो हमारा जो सांस का रास्ता है वो नाक से शुरू होता है और फेफड़े तक अंत होता है। सो जो ये सांस की बीमारी है दमा, उसमें 90% लोगों में नोज़ की एलर्जी भी पाई जाती है। उनको हर समय बदलते मौसम के साथ सांस की बीमारी के साथ जुकाम भी होगा, छींकें आएंगी। सो अगर आपको सुबह उठते ही छींकें आने की दिक्कत है तो हो सकता है आपको एलर्जी हो और उसके कारण आपको ये छींकें आती हैं। तो ये ऐसे मरीज को भी बेसिकली जैसे सांस के लिए इन्हेलर होते हैं, नाक के लिए नाक का स्प्रे होता है वो दिया जाता है। और अगर आपको ऐसे बार बार दिक्कत हो रही है, यूजुअली हम लोग जो ये बार बार जुकाम होता है इसको हम ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, पर जिसको ये दिक्कत होती है उसके लिए ये बहुत उसकी दिक्कत जो जिसको ये दिक्कत होती है उसके लिए सहना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है, इलाज नहीं है। और ये आमतौर वाला जो जुकाम साल में 2 बार सबको होता है वो वाला जुकाम और छींके नहीं होती हैं, ऐसे में डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये डॉक्टर आपके कान नाक गले के डॉक्टर भी हो सकते हैं, प्लस चेस्ट फिजिशियन भी देख सकते हैं, बिकॉज दमे के जो मरीज होते हैं उनमें ये आमतौर पर मिलता है 90% मरीजों को, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही एलर्जी का लक्षण है। तो किसी से दिखा सकते हैं, ENT हाँ जी हाँ जी। स्पेशलिस्ट और? और जो इन्होंने बताया पिंडलियों में दर्द होता है सुबह उठ के, वो यूजुअली अनरिलेटेड है एलर्जी से या चेस्ट की डिजीज से।
अगर आपको रात में नींद नहीं आई है ठीक से, अगर मे भी आपकी ये जो नाक की तकलीफ़ है ये अगर रात में भी रहती है, या किसी भी और कारण अगर आपको रात की में दिक्कत होती है नींद की, तो दिन में आपको ये पिंडलियों में दर्द हो सकता है, और भी बड़े सारे कारण हैं, उसके लिए भी आपको डॉक्टर को ही अलग से दिखाना पड़ेगा। तो ट्यूमर के बारे में हम हाँ जी बात कर हाँ रहे जी। थे। ट्यूमर के बारे में हम बात कर रहे थे। जो भी मरीज धूम्रपान कर रहा है उसको ट्यूमर होने का चांस होता है, लंग कैंसर होने का चांस होता है। ऐसे मरीज को आमतौर पर खांसी होगी लंबे समय के लिए, क्योंकि कैंसर में यूजुअली भूख कम लगती है, तो मरीज का वजन कम होने लगेगा। खांसी में खून आना एक टीबी के अलावा कैंसर मोस्ट कॉमन कारण होता है। टीबी के अलावा खांसी में खून आना कैंसर का एक बहुत आमतौर का लक्षण है। इसके अलावा मरीज को सांस भी फूल सकती है, पर ज़्यादातर मेनली खांसी, वजन कम होना और भूख कम लगना, ये तीन चार लक्षण होते हैं। और एक्सरे में उसको कोई गांठ दिख सकती है, और उसको डायग्नोज करने के लिए एक ब्रोंकोस्कोपी जांच होती है, जिसमें हम दूरबीन से लंग्स की जांच करते हैं, और वहाँ से बायोप्सी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, और फिर उसके बाद उसकी इलाज होता है, जितना स्टेज के ऊपर कितना स्टेज है लंग कैंसर का। बेसिकली कभी भी किसी भी मरीज को जो स्मोकिंग कर रहा है, उसको खांसी होने लगे लंबे समय के लिए, तो उसको ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इसके भी स्टेजेज हैं 1 2 3 हाँ करके। जी, स्टेजेस होते हैं, पर वो आगे सीटी स्कैन और बड़ी सारी जांचों के बाद पते लगते हैं। स्टेजेस लंग कैंसर के होते हैं बड़े सारे। वो जैसा क्या बता रहे थे कि नाक में एलर्जी हो या हो तो लोग नेजल ड्रॉप डाल देते हैं, तो क्या ये डालना सही है या नहीं है? सी वही, अगर आमतौर पे जो साल में 2 बार जुकाम होता है वो वाला है, जो ड्रॉप्स होती हैं वो आप डाल सकते हैं। पर जिस मरीज को सारा साल में, पूरा साल में बहुत बार जुकाम होता है, या साल में 2 बार से ज़्यादा जुकाम हो रहा है, छींकें आती हैं, ये दिक्कत हो रही है, तो उस केस में नेज़ल ड्रॉप जो आमतौर पे केमिस्ट पे मिल जाती है वो नहीं डालनी चाहिए, और उसको इसके लिए स्पेसिफिकली इलाज कराना चाहिए। और उसके लिए अलग तरह के स्प्रेज आते हैं और अलग तरह की ड्रॉप्स आती हैं, जो कि डॉक्टर आपके बताएंगे। अपने आप से जिनको जल्दी जल्दी जुकाम होता है उनको दवा नहीं लेनी चाहिए। मतलब कि जो आम धारणा है कि एक नेजल ड्रॉप डाल के देखते हैं 2 3 दिन, या कुछ लोग वायल और बादाम ये सब का भी प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए उसका क्या डायरेक्ट इफेक्ट चेस्ट पर भी पड़ता है? जैसे वो बादाम का तेल या घी, गाय का घी, इस तरह के प्रयोग जो आयुर्वेदिक प्रयोग करते हैं, तो उसका क्या असर पड़ता है चेस्ट पे? नाक में डालते हैं, कानों में डालते हैं, इस तरह से उसका चेस्ट पर क्या असर पड़ता है? देखिए, आम तौर पर ऐसे नहीं डालना चाहिए कुछ भी नाक में। कोई भी दिक्कत पहले पता लग जाए तो बेहतर है। और नाक में अगर लुब्रिकेशन करना है, तो आप अगर ले रहे हैं तेल तो सिर्फ अंदर तक डालें, उसके अंदर उसमें ड्रॉप्स नहीं डालें। अगर डाल रहे हैं, और कान में भी, कान के डॉक्टर भी मना ही करते हैं, कुछ भी चीज़ें अंदर डालना ठीक नहीं है। कान में जो मुझे पता है, एज मैं कान का डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर कान के डॉक्टर जब अगर कोई कीड़ा चला जाए कान में, तब बताते हैं कि उसको मारने के लिए कान में आप डाल सकते हैं। पर मैं एहतियात यही दूंगा कि बिना ये चीज़, कुछ भी, कोई भी, इट्स लाइक अ फॉरेन बॉडी, आपके कान नाक में आप अपने आप कुछ ना डालें तो बेहतर रहेगा। अगर जैसे सूखा हुआ है नाक, तो आप कोई भी बादाम का तेल नाक में लगा सकते हैं, पर ऐसा डालने का तो मैं नहीं सलाह दूंगा। उसका इफेक्ट चेस्ट पर नहीं, पड़ता चेस्ट पे तो नहीं कोई ऐसा इफेक्ट होगा। अगर आप उसको सांस की नली में ले जाएंगे तो डेफिनेटली सांस का इफेक्ट पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होता है कि आप वो चेस्ट में चला जाएगा। ऐसे नहीं डालना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। तो अगर एक सीओपीडी के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत बताएंगे, ताकि लोग सीओपीडी के बारे में कई तरह के धारणाएं हैं, क्या वो क्या है, कैसे वो अलग है और क्या करना चाहिए? सीओपीडी बीमारी के बारे में मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि ये एक बहुत कॉमन बीमारी है,
और इसको, और बेसिकली ये इतनी ज़्यादा इसमें सांस फूलती है मरीज की, और ये बेसिक होती मेनली आपको कोई धुएं या स्मोकिंग जो कर रहे हैं सिगरेट या बीड़ी से, उसके धुएं से होती है। इसमें आपके जो रास्ते होते हैं सांस के वो संकरे हो जाते हैं, इसके अलावा आपके जो फेफड़े होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और यूजुअली ये आपने अगर 10-15 साल स्मोक करा है और 40 साल की उम्र तक ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं जिनको भी, जिन्होंने भी स्मोकिंग किया होता है, और खांसी बदलते मौसम के साथ 2-3 महीना चलने लगती है। और ये दिक्कतें जो होती हैं दमे के मरीज से डिफरेंट इसलिए होती हैं कि इनमें मरीज की दिक्कतें बढ़ती जाती हैं हर साल के साल। जो दमे का मरीज है, उस एस्थमा का मरीज है, उसकी दिक्कतें बीच बीच में ठीक हो जाती हैं जब एलर्जी हवा में कम होगी, पर जो सीओपीडी का मरीज है उसकी दिक्कत, जो सांस की दिक्कत है, वो दिन बर दिन बढ़ती रहेगी। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो सीओपीडी का मरीज है उनके लंग्स भी वीक होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होने का चांस होता है, और इसकी वजह से हार्ट के ऊपर भी असर पड़ सकता है। बाद में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, पेशेंट का लंग्स फेल भी हो सकता है अगर लेट स्टेज में पहुंच गया है दिक्कत। सो सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसको डॉक्टर के साथ आप मिलके कंट्रोल करें और अपनी दवाएं नियमित रूप से लें, पर ये बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो स्मोकिंग से ये दिक्कत हो सकती है, और इस बहुत ही सांस की दिक्कत में मरीजों को होती है, और बेसिकली मरीज को जीना मुश्किल हो जाता है इसकी वजह से। आजकल लोग देखते हैं कि सर्दी जुकाम होता है तो खास करके विक्स और दूसरा बाम का प्रयोग करते हैं, तो क्या एक इसका क्या असर पड़ता है चेस्ट पर, या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, विक्स और बाम जो मलहम होते हैं वो आप लगाते हैं तो उससे आपको जो सांस के रास्ते हैं नाक से लेके नीचे तक, उसमें थोड़ा सा डायलटेशन हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे जो संकरा रास्ता है वो थोड़ा खुल जाता है, नाक खुल जाता है। तो ये सिम्टोमेटिक इलाज हैं, जो भी आप मरीज को लक्षण हो रहे हैं उसके उस समय पे निदान हो सकता है, पर ये परमानेंट इलाज नहीं है कि इससे आपका कुछ इलाज हो जाएगा। तो इससे मरीज को आराम तो पड़ेगा पर पूरा इलाज नहीं होगा। तो ये आप लगा सकते हैं अगर आमतौर का जुकाम है जो साल में 2 बार सबको होता है। एक जुकाम और कुछ लोगों का होता है कि जैसे नाक सूखना, सूखा सूखा रहना, अंदर से लगता है कि सूखा हुआ है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, वो क्यों होता है? नाक जो सूखता है वो यूजुअली ENT के डॉक्टर देखते हैं। बड़ी सारी बीमारियां होती हैं जिसमें ऐसा नाक सूखता है या क्रस्टिंग ज़्यादा होती है, सो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर, जो नाक का डॉक्टर है, उसको दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछना, कि जैसे रात में सोए सोए किसी का हल्का हल्का सांस फूलना है, कोई कोई ज़्यादा फूलना, तो उस केस में क्या करना चाहिए? क्योंकि सांस फूलने के बाद लोग परेशानी का अनुभव करते हैं, तो वो ये तो निश्चित तौर पे है कि वो दमा का शुरुआती स्टेज या दमा जिसको है उसके कारण है, लेकिन वैसी स्थिति में उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, घर पे क्या एक्शन ले? जो भी सांस के मरीज होते हैं उनकी रात के समय दिक्कत होने का चांस बढ़ जाता है, बिकॉज़ हमारा जो आम तौर पर सांस का रास्ता होता है रात में संकरा हो जाता है। तो जो भी सांस के मरीज हैं उनको रात में कभी कभी नींद टूट सकती है सांस की दिक्कत से। सो अगर हम कहते हैं कि अगर सांस में दिक्कत है जिस मरीज को और उसमें रात में भी दिक्कत होती है, तो दैट ये एक क्राइटेरिया होता है जिसको, जो कि सिवियर डिजीज़ की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, सो जिसको भी ऐसे हो रहा है उसको डेफिनेटली रात में अपना इनहेलर उस सोने से पहले ले लेके रखना चाहिए। और जो हार्ट के मरीज होते हैं उनकी भी रात में सांस की वजह से नींद टूट सकती है। सो ये डिफ्रेंशिएट करना डॉक्टर का काम होता है कि किस वजह से है। तो जो सांस में दिक्कत है वो रात में यूजुअली ज़्यादा होती है, बस मैं ये अभी आपको बताना चाहूँगा। तो ऐसे में अगर दमा है या सीओपीडी है उसमें तो आप अपना इन्हेलर रात में लेंगे, बट अगर बार बार हो रही है उससे बावजूद ठीक नहीं हो रही है, तो इट कुड बी
ये सांस की वजह से नहीं, कुछ हार्ट के रिलेटेड भी हो, तो आप अपने डॉक्टर को वापस बताएं और उसके हिसाब से वो निदान करेंगे। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर रात में आपको सांसें बढ़ गई हों या इस तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप डॉक्टर से जाकर दिखाएं और ये पता करें कि हार्ट के कारण है या दमा के कारण है। ये तो रात का हुआ, और टाइम स्पेस भी कुछ लोगों में देखा जाता है, जैसे किसी को सुबह में, किसी को शाम में, तो वो किस चीज़ का है? जैसे सुबह में हुआ उठने के बाद, वो क्या है? सो यूजुअली एस्मा में मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जो होती है दिक्कत, वो अर्ली मॉर्निंग होती है। सो जो सुबह सुबह उठ के होता है वो यूजुअली एस्मा में होता है। इसके अलावा जो एस्मा है उसमें दिन और रात में डेफिनेटली अंतर होता है। शाम होते होते किसी का ठीक भी हो सकता है, किसी को स्पेसिफिकली शाम में भी हो सकता है। सो ऐसे सुबह और शाम होने का अंतर से कोई अलग नहीं हमें चीज़ पता लगती, पर ज़्यादातर मरीजों जो दमे के होते हैं उनको सुबह सुबह दिक्कत होती है। अच्छा, एक सांस की बीमारी और जो मैं बताना चाहूँगा, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, पर जिसको हो उसको स्पेशली चेस्ट फिजिशियन ही डायग्नोज कर पाता है, जिसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ बोलते हैं, ILD। इसके बारे में मैंने ज़्यादा बात इसलिए नहीं की अभी तक क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं है, पर जब होती है तो इसमें भी सांस ही फूलता है मरीज का, जैसे और लक्षण हैं बता रहे थे हम, सांस फूलता है और सूखी खांसी होती है। इस बीमारी में होता क्या है, आपके जो फेफड़े हैं वो उसमें फाइब्रोसिस माने स्कार बनने लगता है, स्कार टिश्यू बनने लगता है और वो सिकुड़ने लगते हैं। और बहुत सारे जो ILDs होते हैं बहुत तरह के होते हैं। सो कुछ ILD के तो कारण पता हैं, कुछ के नहीं पता हैं, और ये एक बहुत मुश्किल बीमारी होती है जिसमें मरीज का लंग बहुत जल्दी वीक होने लगता है। ये मानिए जो एक जिस मरीज को 40 साल में ILD है, उसका लंग एक 70 साल के मरीज की तरह बिहेव कर सकता है। सो ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये बीमारी होती है जो आमतौर पे हमें नहीं देखने को मिलती है, पर जिस भी मरीज को लंबे समय के लिए खांसी हो, सांस हो और उसको दमा नहीं है, COPD नहीं है, या TB या निमोनिया, इनमें से कोई बीमारी नहीं है, तो वो ILD भी हो सकती है। इस पर और चर्चा करेंगे। पहले राठौर जी हैं अजमेर से, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर जी सवाल पूछिए। सर, मैं वैसे तो बिल्कुल 52-53 साल का स्वस्थ व्यक्ति हूँ, लेकिन क्या है, मंगलवार के दिन मैं उपवास रखता हूँ, तो शाम को खाना खाने के बाद मुझे खाना खाने के बाद मेरे को वर्दम आता है 1 घंटे तक, उसके बाद वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर मैं 7-8-10 दिन तक बिल्कुल नॉर्मल रहता हूँ, फिर वापस। एक दिन उपवास के बाद, तो उपवास करते हैं उसके बाद खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद बलगम, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है, क्या है? अगर ये लंबे समय के लिए हो रहा है इनको, तो वही जैसे हम बता रहे थे, हर बार बलगम आ रहा है और कोई लक्षण नहीं है। इन्फेक्शन की तरफ भी हो सकता है ये पॉइंट। तो उस बलगम को जांच कराएं। बलगम की जांच आप करा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज को जिसको बलगम ही आ रहा है, तो डेफिनेटली पहले एक्सरे कराना, एक हम एहतियात देंगे इनको कि एक्सरे कराइए। और कभी कभी कुछ पुराना इन्फेक्शन की वजह से क्षति पहुंची होती है उसकी, में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, सो इसकी वजह से बलगम आ सकता है। तो सो ILD के बारे में मैं कुछ बता रहा था, उसके बारे में थोड़ा मैं और बताना चाहूँगा। सो एक ILD जो बीमारी है उसके बारे में यही है कि इस बीमारी का यूजुअली इलाज लंबे समय के लिए चलता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। सो अगर आपका खांसी और ये सांस की बीमारी बढ़ती जा रही है और आपने स्मोकिंग नहीं किया है, उसके बावजूद आपको लंबे समय के लिए खांसी और सांस चल रही है, सो एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ एक बीमारी होती है जो आपको हो सकती है। और इस डिज़ीज़ को डायग्नोज करना के लिए आपको एक चेस्ट फिजिशियन के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आम तौर के जो फिजिशियन होते हैं इसको कभी कभी नहीं डायग्नोज कर पाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिससे मैं सांस फूल रहा हो, आजकल कुछ लोग करना शुरू किए हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं सांस लेने का और ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, उसके बाद छोड़ना, क्या उस समय करना लाभदायक है या नहीं करना चाहिए?
जो प्राणायाम जिसको आप, मैं हाँ समझ रहा हूँ, जो प्राणायाम होता है सांस लंबा लेना, ये हमेशा ही लंग्स के लिए अच्छा होता है। ओके कोई भी बीमारी हो, जो भी हमने अभी तक बात की है, किसी भी बीमारी में अगर आप प्राणायाम करते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक ही है, उसका कोई नुकसान नहीं है। और एज सच जो बीमारी इसको इससे ठीक नहीं होगी, पर इससे डेफिनेटली लाभ ज़रूर होगा, क्योंकि ओके आपके जो लंग्स के पार्ट हैं जो पूरी तरह से नहीं खुलते हैं, अगर आप लंबा सांस लेते हैं सो वो खुलते हैं और मतलब अच्छा लंग्स को फंक्शन में हेल्प मिलता है। सो प्राणायाम करने में कोई नुकसान नहीं है, पर अभी तक जितनी भी शोध हुए हैं अस्थमा में या सीओपीडी या किसी और बीमारी में सांस की, उसमें प्राणायाम से बीमारी क्योर को नहीं। क्योर नहीं, ऐसा कोई भी नहीं पता लगा है कि क्योर हो गई है। लेकिन लाभ पहुंचता हाँ, है। लाभ पहुंचता है। मैं मेरा प्रश्न और यह है कि जिस समय हो रहा हो, सांस बढ़ा हो, उस समय करें कि नहीं करें? जिस समय सांस बढ़ा हो उस समय तो करना भी आई बिलीव मुश्किल ही होगा। हाँ, लेकिन अगर करें तो लाभ। नहीं, लाभ उस समय नहीं होगा। जो प्राणायाम का लाभ है वो लंबे समय के लिए होगा, अगर रोज कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसका लाभ लंबे समय में होगा। पर जब ज्यादा दिक्कत उस आई हुई है उस वक्त प्राणायाम का मैं नहीं समझता कि लाभ होगा। और जब सांस फूला हुआ है, सांस बढ़ा हुआ है, तो उस समय इनहेलर का प्रयोग कर लें, तुरंत कर लें। हाँ जी, उस समय इनहेलर का प्रयोग करना चाहिए, जिसको दमा और एससीओपीडी है उस वाले मरीज को इनहेलर का प्रयोग उस समय करना चाहिए। अगर इन केस दमा सीओपीडी नहीं है, फिर भी लोग कर ले रहा है, तो क्या उसका ज़्यादा नुकसान है? या क्योंकि जो स्टार्टिंग हो के अब मेरा ये मानना है जिसको दमा या सीओपीडी नहीं है उस वाले मरीज को डॉक्टर ने इन्हेलर नहीं दिए होंगे, और अपने आप से आप इन्हेलर तो नहीं नहीं कर ले सकते। नहीं, जो ये। पुराना मरीज हो, उसके बाद में जब ऐसा होता है, क्योंकि ये सब सांस की बीमारी खास करके ओल्ड एज में ही ज़्यादा नज़र आता है, तो उस दौरान तो काफ़ी लोग दिखा चुके होते हैं, उनके पास अनुभव होता है, सोचता है कि चलो यही है, इसलिए ले लो, नहीं, वो जबकि वो। मैं नहीं हाँ एडवाइस करूंगा अपने आप से लेना, क्योंकि इनहेलर जैसे और दवाई होती हैं ऐसे ही इनहेलर होते हैं, उसको समझाना पड़ता है मरीज को लेने के लिए, वो एक आम दवाई टैबलेट की तरह नहीं है। सो अपने आप से इनहेलर की एडवाइस मैं नहीं करूंगा। ओके डेफिनेटली इनहेलर अगर लेने हैं तो डॉक्टर से पूछ के ही लिए जाएंगे। आजकल इन्हेलर में भी कई तरह के मिक्स किया जाता है, कई तरह के दवा मिक्स करके और उसको मार्केटिंग करते हैं, तो क्या ये इसके पीछे क्या है, इसका क्या तर्क है? इन्हेलर बहुत तरह के होते हैं और ये डिटेल बताना आई थिंक इस फोरम में मेरे लिए वो नहीं है कि किस तरह के होते हैं इन्हेलर। बड़े तरह के हैं और सीओपीडी और अस्थमा में थोड़े डिफरेंट तरह के इन्हेलर दिए जाते हैं, पर इतना मैं बता सकता हूँ कि इन्हेलर का काम क्या करता है इन्हेलर। इस पर हम लोग करेंगे चर्चा डॉक्टर साहब। पहले परमजीत जी हैं पंजाब से, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे गले में बलगम होता है जी। गले में दर्द है? हाँ जी बताइए। गले में आप। बलगम होता है, जब मैं सुबह उठती हूँ तो गले में बलगम होता है। अच्छा जी, ओके। और और केवल क्या दिक्कत रहती है? और बस कभी थोड़ी थोड़ी खांसी भी आती है। ओके, कितने दिनों से है, कितने साल, मतलब दिक्कत कितनी पुरानी है? ये थोड़ा आती रहती है, थोड़ी थोड़ी बलगम सी। थोड़ी थोड़ी बलगम आती रहती है और खांसी भी रहती है। अच्छा, पहले तो बलगम की जांच कराएं। नहीं देखिए, अगर वही खांसी बलगम आती है सुबह सुबह उठ के इनको, अगर मॉर्निंग में बलगम रहती है, अगर सांस की दिक्कत नहीं है कोई इनको और सांस में कोई सीटी की आवाज़ नहीं है, तो सुबह उठ के जो बलगम आती है वो अस्थमा की वजह से हो सकती है। और अगर लंबे समय के लिए चल रही है और बचपन से है इनको, तो दमे की तरफ ज़्यादा हमारा डायग्नोसिस की तरफ वो होगा। और अगर अगर रिसेंट है, कुछ अभी अभी होनी शुरू हुई है, तो फिर डेफिनेटली कोई इन्फेक्शन हो सकता है और इनको फिर फर्दर जांच करानी चाहिए। जैसे इनके लक्षण हैं उसके हिसाब से हमें फर्दर इवेल्युएशन होगा इनका। तो नज़दीक के चेस्ट फिजिशियन से चेस्ट मिलें फिजिशियन को और आप जांच मिल लें। कराएं, हाँ जी, तब ज़्यादा इलाज आपका अच्छा से हो सकता है, आपको बीमारी पता चल जाएगा, तब फिर आप इलाज करें। तो डॉक्टर साहब, अंत में हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रिकॉशन या कौन कौन से
चीज़ करना चाहिए ताकि एक हेल्दी चेस्ट हो, हेल्दी लंग्स हो और इस तरह के बीमारियों का सामना नहीं करना पड़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इसके बारे में ज़रूर हम बात करते हैं। जो भी चेस्ट की बीमारियां हैं उनमें से सबसे कॉमन जो बीमारियां होती हैं वो सांस में आपके धूम्रपान से होती हैं। आज मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको, वैसे ज़्यादातर लोगों को पता है, अगर नहीं भी पता है तो सबसे पहला तो यही रहेगा कि स्मोकिंग आपको नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और जो लोग अभी भी खाना चूल्हे पे बनाते हैं या लकड़ी पे बनाते हैं, उनको कोई और माध्यम के जरिए खाने बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज़ इन दोनों चीज़ों से आपको सांस की बीमारियां होती हैं। और ये सबसे कॉमन प्रिकॉशन है। जिस भी मरीज़ को डॉक्टर ने एस्थमा या सीओपीडी डायग्नोसिस किया है, उनको अपनी दवाइयां, इन्हेलर्स जैसे डॉक्टर बताता है वैसे लेने चाहिए। और इसके अलावा जो एस्थमा के मरीज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं कि एकदम बदलते मौसम में पहले से प्रिकॉशन लेने शुरू करने चाहिए। ठंड का एक्सपोजर, जब भी ठंड पड़ने लगे उससे पहले ही थोड़ा सा एहतियात बरतने लगें। बदलते जैसे एक मौसम, एक टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप एकदम से गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं, सो थोड़ा देर रुक के जाएं। जैसे एसी से आप बाहर जा रहे हैं, अगर एसी कमरे से जा रहे हैं तो थोड़ा एसी बंद कर दें थोड़ी देर पहले, फिर बाहर जाएं। और कोई बहुत चिल्ड, जैसे एकदम ठंडी बहुत होती है चीज़, वो नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा आपके डॉक्टर से आप बात करके निमोनिया का वैक्सीन ले सकते हैं, जो कि हम 5 साल से कम के बच्चों को और 60 साल के बड़े लोगों को, या जिनको भी एस्थमा सीओपीडी होते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं, जिससे निमोनिया होने का रिस्क कम होता है। ये कुछ एहतियात हैं जो मैं बताऊंगा। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस के लिए यही है कि आप जैसे ही बलगम खांसी लंबे समय के लिए हो रहा है तो आप बलगम की जांच करा जांच लें, कराएं जांच करा लें। और नियरेस्ट डॉट सेंटर में जाके दिखाएं। ओके सो मित्रों, आज के चर्चा में हम लोगों ने देखा कि चेस्ट से जुड़ी कई तरह की बीमारियां हैं। अगर उसको हम लोग बेसिक एहतियात बरतते हैं तो उससे बचा जा सकता है, और अगर किसी को बीमारी हो भी जाता है तो अगर सही जांच करा लें और उससे पता चल जाए कि यह बीमारी है तो उस इलाज कराएंगे तो जल्दी ही आपको निदान मिल सकता है। तो इस उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, और यह कहते हुए कि यह कार्यक्रम सिर्फ आप तक नॉलेज पहुंचाना है, न कि इलाज करना। इलाज कराने से पहले ज़रूर आप निजी चिकित्सक को दिखाएँ, पास पड़ोस के चिकित्सक को दिखाएँ, उसके बाद ही इलाज शुरू करें। और आज के कार्यक्रम को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद, और आपके उसे डॉक्टर विकास मित्तल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।